सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा चैनल पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। आज की वीडियो में हम बातने वाले हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बातने वाले हैं पुनी सुपरस्टार के बारे में। गाइज, पुनी सुपरस्टार का जो इंस्टा अकाउंट है वो अभी गायब हो चुका है इंस्टा से। आपको पता होगा बिग बॉस से आने के बाद में पुनी सुपरस्टार को इंस्टा के ऊपर में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली थी। अभी रिसेंटली पुनी सुपरस्टार ने 2 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट किए थे अपने इंस्टा पे, लेकिन कल रात को अचानक से उनका जो इंस्टा अकाउंट है वो गायब हो गया। और यहाँ पर र्यूमर्स के तौर पर बताया जा रहा है की एमसी स्टैन के फैन लोगों ने मास रिपोर्टिंग की उनके अकाउंट के ऊपर, लेकिन ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, केवल र्यूमर्स के तौर पर बताई जा रही है। बाकी कुछ भी रीजन हो सकता है उनके अकाउंट जाने का। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक पुनी सुपरस्टार का जो इंस्टा अकाउंट है वापस नहीं आया अभी तक। और गाइज, इसके अलावा बात लेते हैं, क्या कैरी मिनाटी रोस्ट करने वाले हैं फुकरा इंसान और एलविस यादव को? तो जैसे कि आपको पता है कि कैरी मिनाटी हर बार बिग बॉस का रोस्ट वीडियो अपलोड करते अपने चैनल के ऊपर में, तो इस बार हमें कोई भी ऐसा रोस्ट वीडियो देखने को नहीं मिला था। तो कैरी मिनाटी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पूछे कि उनको रोस्ट किसके ऊपर में निकालना चाहिए। और यहाँ पर आप कमेंट्स वगैरह में देख सकते हो, ज्यादातर लोगों ने केवल यहाँ पर बिग बॉस ओटीटी का नाम लिया यहाँ पर। तो अगर आप कैरी मिनाटी की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर में कमेंट्स वगैरह जाके देखोगे तो वहाँ पर 80-90% कमेंट केवल बिग बॉस ओटीटी का है यहाँ पर। तो गाइज, आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या कैरी मिनाटी अब की बार भी बिग बॉस के ऊपर में वीडियो बनाएंगे? और अगर वीडियो बनाते तो यहाँ पर फुकरा इंसान और एलविस यादव का रोस्ट पक्का है यहाँ पर। तो आज की हमारी लास्ट अपडेट है आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट का फेवरेट कंटेस्टेंट एलविस यादव है। एलविस मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, नॉट इज वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एलविश कैन बी रॉकी।